नमस्कार, खबर सारा हटके में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ प्रीति। बात करते हैं आज की खबर की। सैन फ्रांसिस्को में मिली 19वीं सदी से दबी हुई मम्मी। खोजकर्ताओं को सैन फ्रांसिस्को के घर के नीचे एक डरावनी चीज मिली है, जो कि मम्मी भी कही जा सकती है और नहीं भी। बात 1800 की है, जहां एक छोटी बच्ची की मौत के बाद उसे ऐसे ही सम्मान पूर्वक एक कॉफिन में दफनाया गया था। इस बच्ची का संबंध उस समय के एक रसूखदार परिवार से था। इसका नाम फिर से सामने इसीलिए आया क्योंकि सालों पहले दफनाई गई ये बच्ची अपने कॉफिन में अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित है। इस बच्ची की बॉडी सैन फ्रांसिस्को के एक घर के नीचे मिली है। ये बॉडी कांसे यानी ब्रॉन्ज के एक ताबूत में बंद थी। इस बच्ची का नाम एडिथ हावर्ड कुक है। इस बच्ची की पहचान का पता तब चला जब कुक खानदान के एक जीवित व्यक्ति के डीएनए से इसके सैंपल को मैच किया गया। कहा जा रहा है कि एडिथ की मौत अपने तीसरे जन्मदिन से कुछ दिन पहले ही कुपोषण की वजह से हुई थी। एडिथ के शरीर पर लेवेंडर और रोज के फूल रखे गए थे और उसने लेस की फ्रॉक पहनी हुई थी। इतने सालों तक इस तरह से सुरक्षित रखी गई बॉडी को देखने के बाद सभी काफी चकित थे।